अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फुगाटी। नाज़रीन किराम, उलूम इस्लामिया के मुताबिक हमारी एक पूरी सीरीज आ रही है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ उलूम दीनिया को उनके तारुफ और उनके हिस्ट्री के एतबार से जानते हैं। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्ट हो जाएं। आज की इस वीडियो में हम इल्मे नहव के तारुफ पर और उसकी तारीख पर बात करेंगे, तो चले शुरू करते हैं आज को। नाज़रीन किराम, इल्मे नहव एक ऐसा इल्म है जो उलूम इस्लामिया के अंदर बेसिक किरदार अदा करता है। यही वजह है कि किसी अरबी आलिम ने कहा था, अस्सरफ उम्मुल उलूम व नहव अबूहा, सरफ तमाम उलूम की माँ है जबकि नहव उनका बाप है। नहव को समझने के लिए हमें उसकी तारीफ का जानना जरूरी है। नहव अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब तरफ या किनारा या इस तरह के दीगर मफाहीम इसके माने में आते हैं। नहव एक ऐसा इल्म है जिसके अंदर ऐसे उसूल जाने जाते हैं जो अरबी लफ्ज़ के आखिर में आने वाले एराब के बारे में और कलिमात के आपस में रब्त के बारे में मालूमात देते हैं। ये कवानीन ऐसे होते हैं कि जो मुतय्यन करते हैं कि लफ्ज़ को उसके आमिल के मुताबिक कैसे होना चाहिए। जब आमिल बदलेगा तो मामूल भी बदल जाएगा। ये बेसिक इसकी थीरी है जो इल्मे नहव के आखिर तक चलती रहती है। इसी को कुछ उलमा ने इसकी तारीफ करार दिया है। लेकिन इल्मे नहव लैंग्वेज की बेसिक साइंस का इल्म है जो एलिमेंट्स के कनेक्शन की वजह बनता है। यूँ समझें कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर जितनी गैर मामूली अहमियत इल्मे नहव को है, किसी भी इल्म को नहीं रही। जुबान को लफ्जी गलती से बचाना इस इल्म को पढ़ने की गर्ज है और कलमा और कलाम बेसिकली एलिमेंट्री लेवल पर और कनेक्टिविटी के तौर पर इस इल्म का मौजू बन जाते हैं। नाज़रीन, इल्मे नहव के वैसे तो बहुत सारे नाम रखे जाते हैं, लेकिन एक नाम इसका ऐसा है जो इसको दीगर तमाम उलूम से मुमताज कर देता है और वो है अरबियत। अरबियत इस लफ्ज़ के अंदर इतनी जामियत है कि इसमें तकरीबन सारी शाखें इल्मे नहव की आ जाती हैं, जैसे कि बलागत, वो भी इल्मे नहव की ही शाख है, वो भी इसी का हिस्सा बन जाती है। नाज़रीन किराम, इल्मे नहव एक ऐसा वसी इल्म है कि इसका सिर्फ अभी तक एक सिरा ही मालूम किया जा सका है। दूसरे सिरे या दूसरे किनारे के बारे में कोई नहीं जानता। यकीनन खालिक मालिक ही जानता है जो इस लोथड़े के ऊपर जुबान को जारी करता है। यकीनन वही तमाम जुबानों का खालिक है। जुबान जब तक जिंदा रहती है, ग्रामर के वजूद की बदौलत ही जिंदा रहती है। आगे बढ़ना, इर्तका पजीर होना, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना और उसके अपने ज़ाती मनाहिज मुतय्यन करना, ये सारी के सारी चीज़ें ग्रामर की वजह से होती हैं। सबसे पहले जो बुनियादी बात है वो ग्रामर है। ग्रामर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट मोर देन अदर लिंग्विस्टिक साइंसेस। हमें ये जानना है कि इल्मे नहव का बानी कौन था। ये बात बड़ी दिलचस्प है। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके मुतालिक ये मिलता है कि एक मरतबा आप मस्जिद कूफा में तशरीफ़ फरमा थे तो एक शख्स करीब खड़ा कुरान करीम की तलावत कर रहा था। उसने कहीं कोई लफ्जी गलती की। वह शख्स चूँकि गैर अरबी था, जब उसने गलती की तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तस्वीर सुनी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फैज़ पाने की गर्ज़ से एक शख्स हाजिर हुआ करता था जिसका नाम अबुल अस्वद दहलवी या दोली था। वो जब आपके बारगाह में हाजिर हुए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी यह ज़ाती मुशाहदाती कैफियत उसको कह सुनाई और फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि कल तुम इस्म, फेल और हर्फ की तारीफ़ात लिखकर आओ। चुनाचे अगले दिन अबुल अस्वद दहलवी वो इस्म, फेल, हर्फ की तारीफ़ात लिखकर लाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनमें तब्दीली कर दी और नए सिरे से इस्म, फेल, हर्फ की तारीफ लिखवाई। यहीं से इल्मे नहव का वजूद शुरू हुआ। यानी गैर अरबी लोगों को अरबी सिखाने का जरिया अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बने और आप ही इस इल्म के मुजिद करार पाए। लेकिन इल्म चूँकि आगे बढ़ता रहता है और तदवीन के मराहिल से गुजरना उसको पड़ता है, इसी वजह से इल्मे नहव आगे बढ़ा और तदवीन की आला सतह पर पहुंच गया। नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि इल्मे नहव की इब्तिदा इराक के शहर बसरा से हुई और रफ्ता रफ्ता आलम इस्लाम में पांच बड़े मराकज ऐसे कायम हुए जहां पर बाकायदा इल्मे नहव की तदरीस की जाती थी, जैसे कि बसरा, कूफा, बगदाद, मिस्र और उंदलस। ये पांच इलाके वो थे
जहाँ पे खालिसतन इन उलूम की शहादत और तदरीस की जाती थी। लेकिन बगदाद वाले हजरात, उंदलस और मिस्र वाले उलमा ये आम तौर पर इख्तलाफात से बचा करते थे, लेकिन बसरा और कूफा के अंदर इख्तलाफात बड़ी गैर मामूली नौयत तक जा पहुँचे। यही वजह है कि यहीं से फिर इल्म नहव के पांच सुतून कायम हुए, जिन्हें सुतून खमसा कहा जाता है। सुतून खमसा से मुराद वो पांच लोग हैं जो इल्म नहव के अंदर हरफ आखिर समझे जाते हैं, जिनमें इमाम अखफश, इमाम मुबर्रद, इमाम सीबवे, इमाम खलील और इमाम फर्रा है। इनको उलमा इट्सेल्फ एक आर्गुमेंट के तौर पर पेश किया करते थे, यानी ये बजाते खुद दलील हुआ करते थे। जहाँ इनकी बात आ जाती, किसी और आलिम की बात को वहाँ पर तरजीह नहीं दी जाती थी। यही वजह है कि इनको नहफ के सुतून खमसा कहा जाता था। लेकिन नाज़िर, क्या आपको पता है कि इल्म नहफ की सबसे पहली किताब किसने लिखी और कौन था वो शख्स? आपको जानकर हैरानी होगी, जिसने इल्म नहफ पर सबसे पहली किताब लिखी वो शख्स अरबी नहीं था बल्कि एक ईरानी था, या कुछ रिवायात के मुताबिक वो बसरी था जो कि इराक का एक इलाका है और उसको अजम ही कहा जाता था। उस शख्स का नाम सीबवे है। इमाम सीबवे जो कि बाकायदा अरबी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अरबी के अंदर ऐसी यगाना रोज़गार किताब लिखी है कि उस जैसी किताब आज तक नहीं लिखी गई। कहा जाता है कि जितना भी इल्म आज तक इल्म नहव का हम तक मुंतकिल हुआ वो किताब सीबवे ही की शरह है, यानी उसी की तफसील अभी तक की जा रही है और सारा का सारा इल्म वहीं से इन्फर किया गया। कहा जाता है कि जैसे हिकमत के अंदर जालीनूस का कोई मुकाबला नहीं, मंतिक के अंदर अरस्तु का कोई बदल नहीं, बिल्कुल इसी तरह नहव के अंदर सीबवे जैसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ। सीबवे अपने उस्ताद इमाम खलील से भी कहीं ज़्यादा बारीक बीन था। अगरचे इमाम खलील हरफ आखिर समझे जाते थे इल्म नहव के अंदर, लेकिन सीबवे ने अपनी किताब लिखकर अपने आप को अमर कर दिया। सीबवे बसरा में पैदा हुआ और शराज में फौत हुआ। इमाम सीबवे शुरू शुरू में हदीस और फिक्र पढ़ा करते थे, लेकिन एक दिन जब आप इबारत पढ़ रहे थे और हम्माद बिन सलमा नामी उस्ताद आपको हदीस की इमला करवा रहे थे, उस वक्त आपसे एक अरबी गलती हुई। बस उस अरबी गलती ने आपको इस तरफ आने पर मजबूर किया। इल्म नहव यकीनन एक बहुत बड़ा और वसी इल्म है और उलूम इस्लामिया में ये वाकईतन बाप की हैसियत रखता है। इसी से अरबी ज़ुबान की गुथियाँ सुलझेंगी और यही कुलीदी किरदार अदा करता है आपको कुरान और हदीस को समझने में। इसलिए मदारिस अरबिया में ये लाजिमन पढ़ाया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप किस के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में और एक नए तसव्वुर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।